सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो है निराशा, डिप्रेशन, फोबिया, चिंता, नकारात्मक विचार, गुस्से पर काबू, घबराहट, डर, इस पर हिप्नोटिज्म, सम्मोहन और NLP द्वारा उपचार। तो ये आज का काफी लोगों को ये लगता है कि भाई सम्मोहन क्या है, सम्मोहन क्या है, लोगों को लगता है कि सम्मोहन क्या है, ये हिप्नोटिज्म क्या है और हिप्नोटिज्म के बारे में जानकारी करना है, ये अंतर्मन क्या होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। कुछ लोग बोलते कि नहीं, हमको कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में जाना है तो क्या सम्मोहन से जा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं व्हाट इज NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP क्या है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सम्मोहन जो है वो एक जादू टोना है क्या, ये होता क्या है, एंग्जाइटी कैसे दूर करे, या लोग क्या कहेंगे, लोगों का डर लगता है तो उसके लिए क्या करना है। ऐसा काफी लोगों को हिप्नोटिज्म अर्थात अंतर्मन जो है, अपना अवचेतन मन जो है, अंतर्मन जो है, उसके बारे में काफी लोगों को सवाल रहते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देने की इच्छा रहती है और काफी उसके बारे में लोगों की एक इंक्वायरी रहती है। काफी हमें फोन आते रहते हैं तो काफी लोग हमको पूछते रहते हैं। तो ये हम आज चालू करेंगे कि हिप्नोटिज्म होता क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या इसका असर होता है, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम है एक्चुअली हील योर माइंड एंड बी पावरफुल, आपका माइंड तंदुरुस्त करो और पावरफुल बनो। हिप्नोटिज्म जो है उसको ट्रांस भी बोलते हैं, ट्रांस या हिप्नोसिस या त्राटक विद्या या मोहिनी विद्या या मेस्मेरिज्म, एनिमल मैग्नेटिज्म, सम्मोहन विद्या, ऐसे अनेक अलग 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 नाम है। क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसका रिप्रोग्रामिंग करना, उसका नए सिरे से प्रोग्रामिंग करना, अपना अंतर मन जो है, अपना अवचेतन मन जो है, अवचेतन मन का नव निर्माण करना, नए सिरे से अवचेतन मन को तैयार करना, अव्यक्त मन को तैयार करना, अंतर मन को तैयार करना, वो संभव है। अंतर मन का रिप्रोग्रामिंग होता है हिप्नोटिज्म में। आप हिप्नोटिज्म में दूसरों के मन की बात भी जान सकते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है वो भी आप बात जान सकते हैं। दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए स्व सम्मोहन करते हैं। अपना माइंड यदि पावरफुल करना है तो आप स्व सम्मोहन सीख सकते हैं, स्व सम्मोहन कर सकते हैं माइंड पावरफुल करने के लिए। तो फिर सम्मोहन क्या होता है, तो हम एक सरीका ऐसा, वो जो पेंडुलम है उसके तरफ देखने के लिए बोलते हैं, एक सरीका वो देखता है और पेंडुलम जब हिलता है तो पेंडुलम हिलते 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 उसका हिप्नोटिज्म हो जाता है और वो ट्रांस में चला जाता है, आंखें बंद हो जाती है और आंखें बंद करके वो सम्मोहन अवस्था में चला जाता है, टक ऐसा हो जाता है। तो ये सम्मोहन में होता है, कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में आप जा सकते हैं सम्मोहन में। जिनको नींद का प्रॉब्लम है तो ये गहरी नींद में आप जा सकते हैं। हिप्नोटिज्म से काफी सारी मन की समस्याएं ठीक हो सकती है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है, बार बार विचार कम हो सकते हैं, हाथ धोना वगैरह सब कम हो सकता है। ओवरथिंकिंग की जिनको समस्या है, ओवरथिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग, नींद की समस्या, सर दर्द, माइग्रेन, पेट विकार, ये सब आपको मिल सकता है, अच्छा हो सकता है। आपको यदि मिला है गॉड गिफ्ट तो फिर अच्छा हो सकता है। इसकी प्रोसीजर जो है, लोग पूछ रहे हैं कि इसकी प्रोसीजर क्या है हिप्नोटिज्म करने की। तो हिप्नोटिज्म के लिए मैंने करीब करीब 60 वीडियो जैसे बनाए हुए हैं, वो ऑनलाइन वीडियोज आपको मिलेंगे और वो ऑनलाइन वीडियोज आप सुनना है और सुन सुन के आपको तैयारी करना है अपनी खुद की, और तैयारी करके फिर आप अपने ऊपर पहले इलाज कर सकते हैं। अपने ऊपर इलाज करना मतलब अपना माइंड पावरफुल करना, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, अपना गुस्सा कम करना, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करना, ओवरथिंकिंग चालू है तो वो ठीक करना, निगेटिव थिंकिंग है तो वो ठीक करना। तो ये पहले अपना प्रॉब्लम ठीक करने का है, किसको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है तो वो ठीक करना। तो ये पहले अपना प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं है आपको, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो पावरफुल बनने का है। पावरफुल बनना मतलब समस्या कुछ भी हो जाए, वातावरण में कुछ भी रहे, तभी मैं उसको डील कर सकता हूं, ऐसा आत्मविश्वास आ रहा कि मैं डील कर सकता हूं वो पावर को, वो जो प्रॉब्लम है उसको डील कर सकता हूं, ओवर थिंकिंग को डील कर सकता हूं। ठीक है ना, ज्यादा सोच है, कंटिन्यू चालू है, चिक 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 चालू है अंदर ओवर थिंकिंग, और निगेटिवली उसको डील कर सकता हूं, ऐसा आपको संभव है हिप्नोटिज्म से। हिप्नोटिज्म में एंग्जाइटी दूर होती है, एंग्जाइटी दूर करते हैं, लोग क्या कहेंगे,
डर लगता है लोगों का, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। होमोसेक्सुअलिटी ठीक हो सकती है, होमोसेक्सुअलिटी, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी में क्या है कि माइंड का रीप्रोग्रामिंग करना है। होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है, एक तरह से माइंड का प्रोग्रामिंग हुआ रहता है सेम सेक्स के तरफ। अभी हमको सम्मोहन करके माइंड का रीप्रोग्रामिंग करना है अपोजिट सेक्स के तरफ, तो यह भी संभव है होमोसेक्सुअलिटी ठीक करना। फिर आलसीपना ठीक हो सकता है सम्मोहन से, फियर ऑफ फेल्यूर ठीक हो सकता है, डर लगता है फेल होने का, बहुत डर लगता है, थकड़ 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 होता है कुछ भी काम करने के लिए, तो वो डर अपना ठीक हो सकता है। मन पावरफुल बन सकता है, डेरिंग बाज बन सकता है, वो संभव है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है, स्टेज पर बात करना, लोगों से पैसे मांगना, कुछ भी संभव है। होमोसेक्सुअलिटी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, सवाल ही नहीं। और फिर लोग नहीं सुन सकते नहीं है लोगों की, नहीं नहीं वो नहीं बोलेंगे इसलिए बात ही नहीं करते, लोग सुनते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बोलता हूं मगर लोग मानते नहीं है, तो मैं यदि इस तरह से बात करूं कि लोग मेरा कहना मानेंगे, लोग मेरा कहना सुनेंगे, लोग मुझे समझ कर लेंगे, तो ये सब संभव है। होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल ही ठीक हो सकती है, बार 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 लोगों में पूछ रहे हैं अभी भी, और ऑनलाइन में लोगों का सवाल चालू है। होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल ठीक हो सकती है, होमोसेक्सुअलिटी डिसीज नहीं है, पहले डिसीज था अभी डिसीज नहीं है, मगर किसको यदि चेंज करना है अपना ओरिएंटेशन तो वो कर सकता है। सुख शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो वो सम्मोहन से संभव है। गुस्सा आता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, संभव है। आईबीएस का प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मेरे कई वीडियोज है कि आईबीएस जो है चिड़चिड़ा होना, आंत का चिड़चिड़ा होना, वो सीधा उसका कनेक्शन मन से है। हर बात पर डर लगना, बहुत सेंसिटिव माइंड हो जाना, मन को लग जाना, डर लगना, मन दुखी होना और कुछ भी सहन नहीं होना, किसने कुछ बोला तो फट से आंख में पानी आना, टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, तो वो मन को शांति होना, स्ट्रेस दूर करना है, तो वो संभव है। नकारात्मक विचार बार बार आते हैं, बार 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 कंटिन्यूअली चिक 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 चालू है, नकारात्मक विचार चालू है और वो बंद होते ही नहीं है कंटिन्यूअसली, तो उसके लिए सम्मोहन से मन को शांति मिलती है। सम्मोहन से मन शांत होता है, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, कोई विचार नहीं आ रहे। तो कितने लोगों को ये मन की शांति चाहिए, मन को एकदम शांत होना यार, विचार कम आना चाहिए, तो आप यस डाल सकते हैं, है ना, यस लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में कि आपको मन की शांति चाहिए। कितना सारा धूमधाम हो आजू बाजू में, लोग झगड़ा करेंगे, कोरोना चालू है, आपस में झगड़ा हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, आपस में पट नहीं रहा है, सब तरह से सब प्रॉब्लम है, मगर अपना मन शांत है। और शांत मन जो है वो डील कर रहा है, भाग नहीं रहे आप, मन शांत है इसका मतलब कोई भाग नहीं रहे, शांत मन रखते हुए उसको डील करने का है, उसको डील करने का, उसका सामना करने का है। कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती है, पैसा टिकता नहीं है, ये प्रॉब्लम है, तो कुछ लोगों को डिप्रेशन है, डिप्रेशन में मन उदास होना, रोना आना, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, बिल्कुल करने की इच्छा नहीं होना, बॉडी में दर्द, बदन में दर्द होना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, ऐसा सब डिप्रेशन में होता है। तो आप दवाई का भी इलाज कर सकते हैं, जिसको दवाई की जरूरत है उसको मैं डिप्रेशन के लिए दवा भी देता हूं और दवाई के साथ साथ हिप्नोथेरेपी भी करता हूं। जिनको दवाई की जरूरत नहीं है उनको सिर्फ हिप्नोथेरेपी करता हूं, ठीक है ना, तो ये दोनों भी इलाज संभव है डिप्रेशन में। तो ये जो है सबकॉन्शियस माइंड, उसको सूचनाएं देना पड़ता है, और सूचना जो है वो ऊपर आदमी बैठा हुआ है वो है अपना कॉन्शियस माइंड, और नीचे जो पूरा ब्रेन है अपना वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो उसके देखो रस्सी जो है, उसकी रस्सी वो पूरे हाथ में रखी है कॉन्शियस माइंड में। हिप्नोटिज्म में क्या होता है, हिप्नोटिज्म में पूरे कॉन्शियस माइंड में रस्सी रहती है सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की। देखो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है पानी के नीचे, जितना बताया उतना, 10% सिर्फ कॉन्शियस माइंड, 10%। तो हमको यदि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे, देखो सबकॉन्शियस माइंड अपने को चला रहा है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे चला रहा है, देखो हार्ट किस कौन चला रहा है भाई, भाई हार्ट तो सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है, आप चला रही है, सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है, सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। अच्छा अन्न पचन कौन कर रहा है, अन्न पचन सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है।
सांस कौन ले रहा है? सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है, आप नहीं ले रहे सांस। रोक के देखो कितने समय तक रोक सकते हैं। पेशाब, टट्टी, पूरा बदन चलाना, मतलब सब कुछ काम सबकॉन्शियस माइंड करता है, कॉन्शियस माइंड करता ही नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम यह है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास में 90% ताकत है, 90%, 90% ताकत सबकॉन्शियस माइंड के पास में है और 10% ताकत कॉन्शियस माइंड के पास में। आपको बताता हूं मैं, बुरी खबर यह है कि 90% ताकत सबकॉन्शियस माइंड के पास में है, 10% ताकत कॉन्शियस माइंड के पास में। बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि कॉन्शियस माइंड के पास में 10% ताकत रहने के बावजूद भी कॉन्शियस माइंड के पास में दिमाग है और वो दिमाग से वो 90% सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है और इसलिए ये संभव है कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज करना। आपका ही कॉन्शियस माइंड आपके ही सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज करेगा, आप खुद को हिप्नोटाइज करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा, आप खुद को हिप्नोटाइज करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का कौन सा रास्ता है? सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का रास्ता है बार 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 हैमरिंग करना। यदि बार 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 हैमरिंग करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड तक आप पहुंच सकते हैं। स्मोकिंग का देखो, स्मोकिंग में क्या होता है? कॉन्शियस माइंड को मालूम है कि अपने को स्मोकिंग बंद करना है। कॉन्शियस माइंड फायदा क्या है? सबकॉन्शियस माइंड बोलता है अभी आज के दिन सिगरेट पी ले, कल से देखेंगे, और वो सबकॉन्शियस माइंड सिगरेट पीने को उसको मजबूर करता है। फिर कॉन्शियस माइंड को मालूम करके फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। तो हमको जो भी करना है चेंजेस वो सबकॉन्शियस माइंड में करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? और कॉन्शियस माइंड जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देता नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, एक तो मैं आपको करूंगा हिप्नोटाइज ताकि आप कॉन्शियस माइंड को बाजू करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड को सूचना देंगे। मैं करूंगा तो मैं आपको वीडियो दूंगा, वो आप सुनेंगे और आप हिप्नोटाइज होंगे। फिर आपने क्या करना है? आपने खुद ने सीखना है ये। फिर आपका ही कॉन्शियस माइंड आपके ही सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज करेगा और सूचना देगा। मतलब पहले अभी मैं करूंगा, वो आप सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? मैं आपको वीडियोस दूंगा, वो वीडियोस के माध्यम से सीखेंगे और बाद में फिर आपको वीडियो के माध्यम से सीखने के बाद में आपको अपने आप को करने का है। देखो समझो, मैंने बोला आपको कि आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेंगे हमको मालूम है मत सिखाओ। मैंने कितने बार बोला, कितने बार ठहराया कि अपने को एक्सरसाइज करना है, मगर मैं सवेरे उठता नहीं हूं एक्सरसाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि सुबह उठने के समय सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि जान दे आज के लिए, जान दे आज के दिन, जान दे कल से करेंगे, आज जरा आराम करेंगे, कल से करेंगे। वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सवेरे आपको जाने नहीं देता। अभी हम क्या करेंगे? कॉन्शियस माइंड ही सबकॉन्शियस माइंड को सूचना देंगे। तो एक तो वो हो सकता हैमरिंग, बार 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 हैमरिंग करना, हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। एक तो कॉन्शियस माइंड का लक्ष्य विचलित करना, इधर उधर जब देखते रहे ना, इधर उधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्शियस माइंड बाजू हो जाएगा, कहीं तो भी उसको लगा देना कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेंगे। कभी इमोशनली चार्ज यदि रहा, बहुत इमोशंस है, बहुत ज्यादा भावनात्मक हो गए, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा दुख है, तो हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। नींद के समय हम जब नींद में जाते हैं, अंदर घुसते हैं, नींद में जाते हैं, तब हम सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकते हैं। नींद में जाने का जो समय रहता है 2-4 मिनट 5 मिनट, सवेरे जब उठते हैं तो ना जागे हुए रहते ना सोए रहते, तब हम सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकते हैं। ये काफी सारे रास्ते हो गए सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के। मैं बताऊंगा आपको कि हिप्नोटिज्म ये सबसे बेस्ट तरीका है सबकॉन्शियस माइंड तक जाने का, बेस्ट और जाना माना तरीका है सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का। मैं आपको वीडियोज भी आपने देखा होगा शायद कि जो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के 5 रास्ते। सम्मोहन कैसे किया जाता है? तो सम्मोहन जो किया जाता है वो देखो, ये ऐसा लेट के होता है सम्मोहन, ऐसा लेट के करते हैं और मैं बार 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 सूचनाएं देता हूं और बार 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 सूचनाएं देके आंखें बंद करके मैं सम्मोहित करता हूं पूरा बदन रिलैक्स करके। वो प्रोसीजर है, वो टाइम लगता है उसको। ये देखो, ये पेंडुलम की तरफ कंटिन्यू ध्यान देके सम्मोहन होता है। देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, सम्मोहित हो जाएंगे।
देखो ये पेंडुलम दूसरा है उसके तरफ ऐसा लेटे लेटे हो जाता है सम्मोहन, या आंखों में आंख डाल के हो जाता है, ये आंखें ऊपर करके ऐसे ऊपर करना, आंखें ऊपर देख रहे हैं छत के तरफ, और छत के तरफ देखते 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 सूचना करना सम्मोहन हो जाता है, ठीक है ना। ये स्टेज के प्रोग्राम में जब करता हूं तब लोग ऐसे सोते बैठे बैठे खटाखट 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 सो जाते हैं, है ना। ये देखो ये फटाफट हाथ ऊपर कर रहे, कोई कोई सो रहे, कोई कुछ कर रहे, बहुत ड्रामा पार्टी होती है, बहुत बड़ा ड्रामा होता है, बहुत लोग हो जाते हैं सम्मोहित। उनको बोला कि डांस करो तो डांस करते हैं, उनको बोला हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर करते हैं, नीचे करो तो नीचे, आप बच्चे हैं तो रोना चालू कर देते हैं, ऐसा बहुत सारा आपको दिखाई देगा। आप जो चाहते हैं वो सम्मोहन से मिल सकता है, क्योंकि हिप्नोटिज्म जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है, और आप जो भी चाहेंगे वो मिल सकता है सम्मोहन से। देखो स्टेज हिप्नोटिज्म है, ऑनलाइन कर सकते हैं आप सम्मोहन, यस ऑनलाइन भी करते हैं और ऑनलाइन भी हम आपको सिखाते हैं। क्या सम्मोहन दिमाग को या मेमोरी को नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं है। दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए सम्मोहन है। दिमाग को पावरफुल बनाना, मेमोरी को पावरफुल बनाना, तो वो बिल्कुल सम्मोहन कर सकते हैं उसको, और वो हो सकता है। फी लगेगा क्या सर? यस आपको फी लगेगा सम्मोहन सीखने के लिए, वो ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको फी लगेगा, और मैं आपको फी के बारे में बोलूंगा वक्त आने पर, और जिनको लेना है वो ले सकते हैं। तो ये अवचेतन मन चेतन मन है, हिप्नोथेरेपिस्ट बनने का है आपको, तो आपको ये लेवल वन का कोर्स है, एक वो लेवल वन का कोर्स आपको लेने का है, बाद में मास्टर क्लास और बाद में ग्रैंड मास्टर क्लास करने का है, ठीक है ना। ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, ये सम्मोहन ऐसा भी किया जाता है सूचना देके और कुछ लिख के, ऐसा कुछ लिख देते हैं और लिख के फिर उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो जो पढ़ना चालू कर देता है तो सम्मोहित हो जाता है, ये भी संभव है। IBS का ट्रीटमेंट सम्मोहन से पॉसिबल है, और हिप्नोटिज्म कोई भी सीख सकता है जिसको सीखने की इच्छा है, और कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी सम्मोहित हो सकता है, और अनपढ़ व्यक्ति भी किसी को सम्मोहित कर सकता है, ठीक है ना। पहले क्लास वन करो, लेवल वन करो, फिर तीन क्लास के बारे में हम बात करेंगे, पहले आपको लेवल वन करने का है। तो आपको नींद पूरी कर सकते हैं सम्मोहन में, सिर दर्द, धड़कन, दिमाग में उठपटांग, विचार आना, है ना, पेट खराब होना और बेचैनी रहना, फेल होने का डर, तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम जो है, ये बंदा मर नहीं सकता था, उसने जान ले लिया खुद की, क्योंकि उसको सम्मोहन नहीं मिला। गुस्से पर काबू आप सम्मोहन से कर सकते, एंगर मैनेजमेंट, और आपका गुस्सा शांत हो सकता है। कितने लोगों को लगता है कि अपना गुस्सा शांत होना चाहिए, गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा कितने लोगों को लगता है? देखो ना, कॉन्शियस माइंड चाहता है कि मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए, और हम फटाक से गुस्सा कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। गुस्सा कहां से होता है? सबकॉन्शियस माइंड। बाद में फिर मैं बोलता हूं यार मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने फालतू गुस्सा किया, मैंने उसके ऊपर रेज नहीं होना चाहिए था, है ना, मैं रेज हो गया। कौन बोलता है? कॉन्शियस माइंड। गुस्सा किसने किया? सबकॉन्शियस माइंड ने। बोलता कौन है नहीं करना चाहिए? कॉन्शियस माइंड। ये दोनों माइंड का खेल चालू है। देखो समझ में आता होगा आपको। तो आपको जो जल्दी गुस्सा आता है तो आपको मालूम है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये कॉन्शियस माइंड को मालूम है, और सबकॉन्शियस माइंड फटाक से गुस्सा कर देता है जब उसको मालूम है कि नहीं करना चाहिए, कॉन्शियस माइंड को।